नमस्कार दोस्तों, दिव्यम ज्योतिष में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार एक कुंडली एनालिसिस करेंगे जो हमें भेजी गई है कोल्हापुर से, महाराष्ट्र कोल्हापुर से। और इन्होंने हमें दो तीन ऐसे सवाल किए हैं, उसके ऊपर कुंडली एनालिसिस करेंगे अपने। सिंह लग्न की कुंडली है और लग्न में ही सूर्य और बुध विराजमान है और शुक्र बैठे हुए हैं सेकेंड हाउस में नीच के, और मंगल और गुरु और चंद्र तीन ग्रहों का फोर्थ हाउस में बैठना बहुत ही अच्छा शुभ योग बना हुआ है। यहाँ राहु सिक्स्थ हाउस में बलि होता है और ट्वेल्थ हाउस में केतु बहुत ही अच्छा राजयोग बना के बैठा है। ट्वेल्थ हाउस का केतु अच्छा ही गिना जाता है, ट्वेल्थ हाउस में केतु मोक्ष कारक गिना जाता है। और शनि बैठा है मेष राशि में, यहाँ भाग्य स्थान में। तो इनका प्रश्न एक है पहला कि भाई, मुझे मेरी गवर्नमेंट जॉब अभी चल रही है, वो एज अ टाउन प्लानर है, चीफ ऑफिसर है, और उनको ये जॉब छोड़ के उनको जाना है खुद के कंस्ट्रक्शन काम के लिए, खुद के बिजनेस उनको चालू करना है। तो अगर मैं बिजनेस चालू करता हूँ तो मुझे उसमें सक्सेस मिलेगी, या फिर मैं ये जो जॉब कर रहा हूँ कॉरपोरेशन की, गवर्नमेंट की, उसमें ही चालू रहूँ? ये इन्होंने सवाल किया है। सबसे पहले देखते हैं कि ये कुंडली में उनको गवर्नमेंट जॉब इतनी अच्छी कैसे मिली। कॉरपोरेशन में टाउन प्लानर का जॉब मिलना वो भी बहुत बड़ी बात है। इनकी कुंडली में सिंह लग्न में खुद सूर्य केंद्र में खुद के घर में विराजमान है, वो भी बुध के साथ, बुधादित्य योग बना हुआ है। कुंडली में जब भी सूर्य सिंह राशि में होंगे, अगर वो केंद्र में हो गए और वो लग्नेश है, तो समझ जाइए कि भाई आपको गवर्नमेंट जॉब ऐसे ही आसानी से मिल जाएगी, आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। इनको भी बहुत ही कम एफर्ट से उनको ये जॉब मिली है। आज उन्होंने कम से कम 20 साल उसमें निकाल दिए हैं। अभी इनका सोचना ऐसा है कि भाई, मेरे जॉब तो कील कर ली बहुत अच्छी तरह से, लेकिन मुझे अभी आगे मुझे अपना खुद का एक बिजनेस चालू करना है कंस्ट्रक्शन का, क्योंकि ये जो इनकी लाइन थी वो भी वही लाइन थी, टाउन प्लानर है। अभी उनको कंस्ट्रक्शन में उनको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, या जॉब करूँ या नया बिजनेस चालू करूँ, तो उनके लिए हम ऐसी एडवाइस देंगे कि भाई, आप नया जो बिजनेस चालू करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन, वो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में मंगल महाराज खुद बैठे हुए हैं वृश्चिक राशि में। जब भी मंगल वृश्चिक राशि में विराजमान होंगे, वो भी चंद्र के साथ और गुरु के साथ, तो ये तीनों योग बन गए, महालक्ष्मी योग, लक्ष्मी योग, बहुत ही सुंदर राजयोग यहाँ बना हुआ है आपका। और आप ये तीनों ग्रह देख रहे हैं दशम स्थान को, तो कुंडली में एक अपने आप रेंज बन जाती है। आप जैसे कंस्ट्रक्शन का काम चालू करोगे, आपका काम एकदम से फटाक करके चलने लगेगा और आपको बहुत अच्छा बुकिंग वगैरह भी मिलना चालू हो जाएगा। इसलिए आप, अगर आप चाहते हो कि भाई आपको ये कॉरपोरेशन की जॉब छोड़नी है, तो आप छोड़ सकते हो और अपना खुद का नया बिजनेस आपको 2019 के फरवरी के बाद चालू करने का आपको हम सजेशन करते हैं। इसलिए ऐसी कई वीडियो में लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।